नमस्ते, मेरा नाम है जुनाग ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, आज के इस वीडियो में मैं हमारे समाज के कुछ ऐसे एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि जिसकी खबर कुछ महीनों पहले कोरिया के समाचार के एकदम सुर्खियों में छा गया था। काफी हंगामा मच गया, लेकिन कुछ दिन बाद हमेशा की तरह एज यूजल लोग फिर उस बात को भूल गए। जी हाँ, टाइटल पढ़ के बिल्कुल सही समझा कि आज के इस वीडियो में मैं कोरिया के केपॉप इंडस्ट्री के कुछ एक ऐसे काले पहलू के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानने की आवश्यकता है। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें एक इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जब किसी चीज को देखते हैं ना, तो पता है हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमसे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उस चीज के सबसे चमकदार और सबसे रोशनदार पहलू को ही देखकर हम उस पूरी चीज को जज करते हैं कि ये पूरी चीज ऐसी होती होगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि दुनिया की सच्चाई ऐसी है कि अगर कोई चीज की एक पहलू चमक रहा है, तो उसका मतलब यह है कि उसके बैक साइड में जरूर डार्क साइड भी होता होगा। लेकिन लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ उस चमकदार पहलू पर पड़ती है। इसकी वजह से अक्सर डार्क साइड को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इवन ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं होता कि उस चीज का कोई काला पहलू भी हो सकता है। एक सूत्रों के मुताबिक पूरे कोरिया में लाखों से 1,000,000 ऐसे छात्र है, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो भविष्य में BTS या ब्लैकपिंक जैसे बड़े आइडोल बनने का सपना देखते हैं। और फिर उनके आइडोल बनने का तरीका कैसा होता है, मैं इस वीडियो में पूरा 1x1 के करके आपको समझा देता हूं। आप लोगों को शायद पता होगा कि एक आइडल ग्रुप को बनाने के लिए एक बच्चे को, यानी कि एक इंसान को मिनिमम 4 से 5 साल के ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसलिए जो बच्चे आइडल बनने का सपना देखते हैं ना, वो लोग ज्यादातर अपने 15 या फिर 16 साल की उम्र में अपने सपना का पालन करते हुए अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं और ऑडिशन दे देते हैं। और फिर ऑडिशन में अगर सक्सेस हो जाए तो ये लोग किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपने 3-4 साल का ट्रेनिंग लाइफ शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूँ कि जितने भी मशहूर केपॉप आइडल ग्रुप है जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, ये सारे लोग किसी ना किसी बड़े या फिर छोटे या फिर मध्यम आकार के कंपनी के अंतर्गत आते हैं। और फिर उनके कंपनी के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसके तहत ये सब कुछ काम होता है। तो जब बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ के ऐसे कंपनी के अंदर आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और फिर उनके साथ आए हुए बाकी दोस्तों के साथ उनका ग्रुप बन जाता है, और फिर उनको कोरिया के अंदर जो परफॉर्मेंस मंच होता है ना, वहां पे खड़े करने की ट्रेनिंग सबसे पहले शुरू होती है। मतलब डिपेंड करता होगा ग्रुप पर, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस तरह के ट्रेनिंग में लगभग 3 से 4 साल या फिर कुछ कुछ लोगों को 5 साल का भी समय लगता है। और जाहिर सी बात है कि 5 साल तक उनके दिमाग में ये एक ही बात डाल दी जाती है कि अगर इसमें तुम फेल हो गए तो भाई बेटा तुम्हारे रास्ते कोई और नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अपने गांड रगड़ के मेहनत करो और परफॉर्मेंस में जीत लो और हमारे कंपनी का नाम और अपना नाम रोशन करो। इस तरह पूरे देश में ऐसे लाखों बच्चे 3-4 साल तक सिर्फ कोरिया के अंदर परफॉर्मेंस मंच पर खड़े होने के लिए अपनी कड़ी मेहनत कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। और एक और बात यह हो जाती है कि उस टाइम पे ना उनकी पढ़ाई छूट जाती है, और फिर उनके दिमाग की जो सोच होती है ना, उनके दिमाग की सोच काफी हद तक बदल जाती है। चलो ठीक है, 4 साल बाद उनकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली समाप्त हो गया और फिर उनको बाय चांस एक परफॉर्मेंस मंच पर खड़े होने का मौका मिल गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पहाड़ बाकी है जिसपे उन्हें चढ़ना होता है, क्योंकि हर एक मंच पर ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 टीम को ही परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और आप लोगों को भी पता है कि कंपटीशन का रूल, चाहे बाकी 9 लोगों ने बाकी 9 टीम ने कितना भी अच्छा गाना क्यों ना गाया हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना किया हो, लेकिन उसमें जीतने वाली टीम तो सिर्फ एक ही है। यानी कि बाकी 9 लोगों की मेहनत, बाकी 9 लोगों का भेला हुआ पापड़ नहीं देखा जाता। उसमें सिर्फ एक ऐसा लकी ग्रुप होता है जिसको विजेता का खातिब मिलता है। चलो ठीक है, इस तरह करके एक टीम तो अपने सौभाग्य से जीत गई, लेकिन अपने जीत से कमाई हुई लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए उनका बिजी स्केड्यूल तो तब से शुरू हो जाता है। आप किसी भी आइडल ट्रेनी के एक दिन के स्केड्यूल लिस्ट को देखो कि उनको 24 घंटों में से 18 घंटे अपना काम करके बिताना होता है।
कई बार उनको अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए कोरिया के यानी कि पूरे देश में दिन में कम से कम 4 या 5 बार अलग अलग जगह जाके अपना जोरदार डांस करना होता है और जोरदार गाना भी गाना होता है और फिर कई लोगों के साथ अपना बैठना उठना ये सब कुछ चलता रहता है जिनकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है इस काम के लिए उनको पैसे तो मिलते हैं लेकिन क्या पैसे मिलने के बाद ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। देखो यहां पे ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है ना कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह के जो आइडल ग्रुप है किसी ना किसी कंपनी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अगर उस कंपनी का आकार बड़ा है, उस कंपनी के पास अपने मजबूत पैसे हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां भी होती है जिनके आकार या तो मध्यम हो या फिर छोटा हो, यानी कि जिनके आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। तो आप लोग इस तरह से सोच सकते हो कि अगर कंपनी के पास इतने पैसे है ही नहीं तो आइडल को उन्होंने अपने अंदर रखा क्यों? देखो यहां पे ना एक खेल होता है, ये खेल छुपा हुआ है कि अगर कोई ग्रुप, उनके अंदर का कोई ग्रुप अगर BTS के लेवल पर बड़ा हो गया, वैसे इस बात के चांस तो बहुत ज्यादा कम है, 0.001% से भी कम है, लेकिन जीरो तो नहीं है। अगर BTS जैसे अपना नाम कमा लिया या फिर BTS जितना तो नहीं लेकिन अगर कोरिया में भी अपना नाम कमा लिया तो उनको एक साथ इतने पैसे आते हैं ना, इतने पैसे आते हैं कि अभी तक चल रही आर्थिक मंदी ये सब कुछ दूर हो जाती है। तो कई सारे लोग इस तरह से सोचकर अपने नाम का एंटरटेनमेंट कंपनियां खोल लेते हैं लेकिन दिक्कत यहां पे आ जाती है कि जैसे आपको पता है कि उनको ना लगातार गाना बनाना पड़ता है और गाना बनाने के साथ साथ उनको अपने चेहरे की भी देखभाल करनी पड़ती है, मेकअप लगाना पड़ता है और मैनेजर रखना पड़ता है साथ में और उनको लगातार डांसिंग की सिंगिंग की ट्रेनिंग भी देना पड़ता है और इन सब के लिए तो पैसे लगते हैं ना। तो बताए पैसे कहां से आते हैं? जाहिर सी बात है उनके पास यानी कि मालिक के पास पहले से इतने सारे पैसे तो है नहीं, तो ये लोग या तो बैंक से उधार ले लेते हैं या फिर इन्वेस्टर से इन्वेस्ट लेकर अपने आइडल को पालने में लग जाते हैं। अगर वो आइडल सक्सेसफुली बड़ा हो गया, हिट हो गया, तब तो कोई बात नहीं, सारा पैसा वसूल हो जाएगा और जाहिर सी बात है उनको भी काफी अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में ना ऐसा नहीं हो पाता, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उनको बरकरार रखने में भी इतने सारे पैसे लगते हैं कि कई बार मालिक अपने खुद के कंपनी को भी दिवालिया घोषित कर देते हैं और इस तरह के चलते कई आइडल ग्रुप जो कि कोरिया के किसी ना किसी परफॉर्मेंस मंच पर एक बार या फिर 2 बार जीत कर अपना नाम कमाने के बावजूद भी कंपनी के आर्थिक मंदी की वजह से ये लोग BTS जैसे या फिर ब्लैकपिंक जैसे सक्सेसफुल आइडल बन नहीं पाते, जस्ट बिकॉज कंपनी के दिवालिया होने की वजह से ये लोग इस तरह से पिछड़ते चले जाते हैं और फिर हम उनका नाम भूल जाते हैं। और अभी तक मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लकीली उस परफॉर्मेंस में जीत गए, यानी कि जो नो टीम परफॉर्मेंस में जीत नहीं पाए 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद, उनके साथ क्या होगा? उन पर तो कोई नजर ही नहीं है, कोई नहीं देखता। देखो मैं अपने 15 साल की बात बता देता हूं कि जब मैं 15 साल का था ना तो हमारे ऐसे जो मंच परफॉर्मेंस होता है ना ये ज्यादातर टीवी धारावाहिक में दिखाया जाता है, तो मुझे अच्छे से याद है कि एक दिन में कम से कम 9 से 10 नए आइडल आकर परफॉर्मेंस करते थे, सबका गाना सबका डांसिंग बहुत अच्छा था। लेकिन अभी उन 9 ग्रुप में से मुझे कितनों का नाम याद है और कितने लोग अभी भी पैसे कमा रहे हैं? मुश्किल से 1 या 2। हाँ, और बाकी 7 ग्रुप के मेंबर, बाकी 7 ग्रुप के बच्चे जो उसमें काम कर रहे थे, नाच रहे थे, वो लोग अभी कहां गए? असली प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है कि यहां पे आइडल के बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 4-5 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी 0.1% के लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल आइडल ग्रुप बन पाते हैं, यानी कि बाकी 99% लोगों की मेहनत, उनके 4 साल की पढ़ाई, उनके 4 साल की ट्रेनिंग तो ऐसे बेकार चली गई और उनको जब समाज में भेज दिया जाता है तब उनके पास कुछ भी नहीं बचता, अपने नाम की कमाई तो जीरो हो गया और फिर उन्होंने उसके चक्कर में अपने स्कूल टाइम की पढ़ाई भी छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने अपने स्कूल टाइम पे कुछ सीखा है नहीं, इसलिए कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना नया रास्ता ढूंढकर अपने नए रास्ते पर सक्सेसफुली फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पुराने टाइम को ना भूलकर कुछ गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अभी तक
कहने का मतलब यह है कि बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे आइडल तो करोड़ों में नहीं कमा रहा है, करोड़ों तो उनके सामने बहुत कम है, अरबों खरबों में ये लोग खेल रहे हैं। इसलिए पूरे इनको देखकर, मतलब सिर्फ इन दोनों को देखकर पूरे केपॉप इंडस्ट्री ऐसा होगा इस तरह से जज करना ये गलत बात है। उन दोनों ग्रुप के पीछे ऐसे आज भी सैकड़ों आइडल ग्रुप बन जाते हैं जो अपने में इतना ज्यादा कंपटीशन करने के बाद भी उनके सामने कोई गारंटी नहीं होती कि क्या ये लोग भी फ्यूचर में इनके जैसे बन पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं बन पाए तो उनकी मेहनत की भरपाई तो घंटा कुछ नहीं होती, और बुरे से बुरे हुआ तो ऐसा भी होता है कि कंपनी के आर्थिक मंदी की वजह से वो लोग भी कंपनी के साथ साथ कर्ज के घेरे में डूब जाते हैं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमेशा की तरह मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।